हे जय हिंद दोस्तों, आई एम अभिषेक, मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो रशिया क्यों चूज करते हैं, और आप भी अगर रशिया चूज करना चाहते हो, अगर आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का और आप भी अगर इंडिया में देख रहे हो यूनिवर्सिटी, लेकिन आपको अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा हाई फाई यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसपे 50-60 लाख रुपए देना होता है या फिर 1 करोड़ तक भी चला जाता है आपका ट्यूशन फीस और पूरा MBBS, तो आप रशिया एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत से इंडियन बच्चे क्यों मतलब रशिया आते हैं पढ़ने के लिए MBBS और डॉक्टर बनने के लिए, यहाँ से पढ़ के मतलब क्यों आते हैं रशिया। हम आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो एंड तक बने रहे। सबसे बड़ा मेजर कारण होता है MBBS अब्रॉड का, जो कि होता है अफोर्डेबल फीस। ये मेजर कारण होता है जो कि बहुत से इंडियन बच्चों को अट्रैक्ट करता है बाहर में पढ़ने का, बाहर में MBBS और डॉक्टर बनने के लिए। और जो कि होती है, आप इंडिया में करते हो, अगर प्राइवेट में करते हो तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, और जिनका मार्क्स कम आता है तो वो लोग देखते हैं कि कहीं सस्ता में हो जाए, तो वो लोग मैक्सिमम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं और डॉक्टर का सपना देखते हैं, वो लोग मैक्सिमम लोग MBBS अब्रॉड या फिर रशिया में, जो कि एक अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत से लोग आने के सोचते हैं और इस वजह से मतलब MBBS अब्रॉड को चूज़ करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये एक मेजर कारण है। यहाँ पे ना ट्यूशन फीस बहुत ही कम होती है, हॉस्टल फीस कम होती है, अफोर्डेबल होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जैसे कि आप अगर MBBS अब्रॉड से करते हो तो पूरा रहना खाना पीना 20 से 25 लाख तक में आपका हो जाता है। तो ये एक मेजर कारण है, अफोर्डेबल फीस एक मेजर कारण हो सकता है जो कि MBBS अब्रॉड के लिए बच्चे आते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ की जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी मतलब अफोर्डेबल है, तो फिर ये भी एक कारण है आप MBBS अब्रॉड चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे खाने पीने का सामान और जो भी सामान है काफ़ी मतलब सस्ते प्राइस में, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब आप इसको ये कर सकते हो, आप यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी मतलब ठीक ठाक है, आप रह सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आओ हम लोग थोड़ा मार्केट का आपको थोड़ा फुटेज दिखा देते हैं। तो ये है जिलोनी मार्केट पूरा, और यहाँ पे भी मतलब सस्ता सुविधा सामान मिल जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये हम आपको मार्केट दिखा रहे हैं, रशिया का एक मार्केट हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और ये भी थोड़ा ठीक रहता है लिविंग एक्सपेंसेस, आपको जो भी सामान चाहिए आपको सब चीज़ थोड़ा सस्ता सुविधा मिल जाता है, इसलिए मतलब ये भी एक कारण है कि आप सस्ते सामान और रशिया आ सकते हैं। यहाँ का खान पान, यहाँ भी आपको इंडियन सामान, आपको खाने पीने का सब्जी कुछ कुछ मिल जाती है, चावल दाल रोटी बनाने का आटा मिल जाता है, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये एक अट्रैक्शन का, ये मतलब MBBS करने का एक, ये भी एक मेजर कारण है कि यहाँ पे एक आपको इंडियन फूड मिल जाती है, इंडियन मेस मिल जाती है, जो कि इंडियन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जो कि ये भी एक कारण है अब्रॉड आने का, रशिया आने का। हाँ गाइस, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज विक्ट्री डे है तो हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे आए हैं, तो चलो हम भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं यहाँ के फ्यूचर सोल्जर्स के साथ, हम लोग फ़ोटो खिंचाएंगे। तो आओ फोटो खींच रहा है क्या, वीडियो बना रहा हूँ, बना रहा, हाँ चलना बोलना, फोटो लू की वीडियो। एक दूसरा कारण है कि हमारा इंडिया और रशिया का एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी सालों से मतलब रिलेशन अच्छा रहा, बना हुआ है इस कंट्री के साथ। तो मेजर लोग मतलब अब्रॉड चूज़ करने का एक मेजर कारण ये भी है, और जैसे कि आपको पता होगा 1971 के बारे में रशिया ने कितना हेल्प किया था हम लोग का, तो लड़ाई में, तो ये एक मेजर कारण है। इंडिया और रशिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और आज विक्ट्री डे है तो देखो यहाँ पे मतलब कितना प्यारा लग रहा है ये जगह, और हम लोग भी फ़ोटो वोटो शूट किए हैं, तो उसी का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। तो आपको और भी कारण बताते हैं क्यों रशिया चूज़ करते हैं MBBS अब्रॉड के लिए। MBBS रशिया चूज़ करने का कारण, एक कारण हो सकता है यहाँ का वेदर। आप ज़्यादातर ये सुने होंगे कि रशिया का वेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब 12 महीना मतलब ऐसा ठंडा ठंडा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे अप्रॉक्स 4-5 महीने यहाँ मतलब रहता है ठंडा, और बर्फ़ जम जाती है,
ये सही बात है, लेकिन उसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल पे हीटर लगे रहती है, आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो तो टैक्सी में उतना ठंड नहीं लगती, जैकेट पहन सकते हो। हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में हीटर लगी होती है तो वो एक रहता है। और यहाँ की वेदर अडेप्टेबल है, आप यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हो, और इंडियंस बच्चे काफ़ी अडेप्ट करते हैं और यहाँ पे हैं कि वेदर भी काफ़ी अच्छी है, तो जिसके कारण भी मतलब बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं, तो ये भी एक कारण है रशिया चूज़ करने का इंडियन बच्चों का। हाँ, तो नेक्स्ट चीज़ होता है दोस्तों ये MBBS, आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और होता है जैसे कि आप फॉरेन कल्चर, फॉरेन का मतलब सिटी देखने को मिलता है आपको, फॉरेन घूमने का मिलता है, आप अलग अलग कल्चर सीखते हो, लोगों की भाषा सीखते हो, तो ये भी एक कारण है। कुछ लोगों को पसंद होता है फॉरेन में पढ़ना, तो ये भी एक कारण हो जाता है अब्रॉड से MBBS करने का। और जो कि आपको पता ही होगा कि ये अब्रॉड में जैसे कि मोस्टली रशिया में लोग कितने फ्रेंडली होते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं और फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है आप अब्रॉड चूज़ करने का। तो मतलब ये भी एक कारण है कि आप अच्छा एक्सपोजर और अच्छी जगह घूमने का आपको एक मिल जाता है। अब्रॉड चूज़ करने का एक और कारण है जो कि है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। रशिया में क्या है, बहुत सारे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि आप जैसे कि WHO, MCI ये सब में रशिया की यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, जिसके वजह से आपको जैसे कि आप यहां से पढ़ के इंडिया जाते हो तो आप एक एग्जिट टेस्ट देते हो, जैसे कि नेक्स्ट या फिर FMG, पहले FMG था अभी नेक्स्ट हो गया है, तो उसको आप देते हो तो फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद ये है कि आप जैसे कि रशिया से आप पढ़ते हो 6 साल के बाद, तो आप अदर कंट्री भी जा सकते हो, जैसे कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, तो ऐसी कंट्री में आप जाके फर्दर स्टडी कर सकते हो, वहाँ की इंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब वहाँ की एग्ज़ाम देके आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी एक कारण है जो कि इंडियन बच्चे रशिया में आने के लिए ये करते हैं। तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है रशिया में। रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो फुली बहुत सारी यूनिवर्सिटी फुली इंग्लिश मीडियम होती है, जिसके कारण आप और भी अदर कंट्री में आप जा सकते हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसे कि जो बच्चे इंडिया ही जाना चाहते हैं तो उनके लिए फुली इंग्लिश मीडियम है, और इंडिया का सिलेबस और रशिया का सिलेबस मैक्सिमम मैच खाता है, और आपको वही चीज़ें ही पढ़ाई जाती है जो कि इंडिया में पढ़ाया जाता है, वही सब्जेक्ट वही सिलेबस, तो इसके लिए MBBS रशिया भी ये भी एक कारण हो सकता है। तो एक और कारण है जैसे कि हमारा नेक्स्ट हम बता रहे हैं, नेक्स्ट कारण होता है जो कि रशिया में आने का, वो होता है वीज़ा का और डॉक्यूमेंटेशन का काम ईजिली हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, और जैसे कि ये फ्रेंडली कंट्री है रशिया, तो फिर जिसके वजह से बच्चे मतलब यहाँ पे इजीली आ जाते हैं और मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट कारण होता है जो कि इंडियन बच्चे रशिया ज़्यादातर आते हैं, उसमें से एक जो कि है लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज मतलब उतना दिक्कत नहीं करता और इजीली मतलब सीख जाते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपको रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो लैंग्वेज में उतनी दिक्कत नहीं जाती, तो ये भी मतलब ईजिली सीखा जा सकता है, जिसके कारण मतलब आ जाते हैं बच्चे यहाँ पे। इजी लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज है, यहाँ पे अडेप्ट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आपको लैंग्वेज आती है। तो दोस्तों एक चीज़ और है जो कि जैसे कि रशियन बच्चों को अच्छे रशिया में आते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एक्सपोज़र अच्छा मिलता है, आपको मेडिकल क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलता है रशिया में, और आप अच्छे से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे होते हैं और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो आप वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये भी एक कारण है MBBS रशिया से करने का। हाँ, तो दोस्तों ये है मेरी यूनिवर्सिटी रशिया में, और मैं यहाँ पढ़ता हूँ रशिया में कबार्दिनो बल्गारिया स्टेट यूनिवर्सिटी में, और ये नालचिक में है, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है रशिया में और हम यहीं पढ़ते हैं। और आपको हमारे फर्स्ट ईयर में एक बच्चे का भी रिव्यू दिखाएंगे अभी इस वीडियो में। हेलो, हाय, क्या नाम है आपका? सैदा। आप कहाँ से हो? कर्नाटक। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है, बीइंग अ गर्ल आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ की फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी है।
और ये यहाँ पे हॉस्टल्स के बारे में, गर्ल्स के मतलब हॉस्टल कैसे हैं? हॉस्टल काफ़ी अच्छी है और गर्ल्स के लिए सेपरेट फ्लोर है इंडियन हॉस्टल्स में, इंटरनेशनल हॉस्टल्स में भी सेपरेट फ्लोर है लड़कियों के लिए और काफ़ी सेफ है लड़कियों के लिए। और यहाँ पे खाना वगैरह आप कैसे मतलब करते हो, आप सेल्फ बुक करते हो या फिर कैसे, मेस के बारे में बताना चाहोगे? हाँ, यहाँ पे मेस भी है, जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ कुक नहीं करना वो मेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सेल्फ कुक का भी ऑप्शन है जिसमें हॉस्टल की तरफ से इंडक्शन भी मिलता है। और ये वेदर और नासिक सिटी के बारे में आप बताना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ का वेदर भी अडेप्टेबल है, उतना कुछ ठंडी नहीं है, काफ़ी अडेप्टेबल है। फैकल्टीज और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है और काफ़ी हेल्प कर देते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, टीचर्स की भी बहुत हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे सीनियर्स वगैरह कैसे मतलब हैं? सीनियर्स मोस्टली आप ही हो, अभिषेक भैया बहुत सपोर्टिव है, काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिटी भी काफ़ी अफोर्डेबल है यहाँ पर, टैक्सी खाने पीने का ये सब सारी आपको मतलब कम प्राइस में मतलब पड़ जाता है, लिविंग एक्सपेंसेस और बजट फ्रेंडली, और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, तो ये भी एक कारण है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और लोग भी मतलब ऐसे ही यूनिवर्सिटी में आना पसंद करते हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो, सिटी थोड़ा अच्छा हो। तो ये सब थी दोस्तों जो कि एक इंडियन बच्चों को मतलब यहाँ अट्रैक्ट करता है रशिया में MBBS करने के लिए। ऐसा है कि एक आपको भी अगर है MBBS अगर अब्रॉड में करना चाहते हो तो ये भी मतलब आपके लिए सही हो सकता है, और रशिया में आप पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब अट्रैक्ट करती है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं रशिया में, ये सब कारण हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अंत तक, और आपका कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो रशिया से रिलेटेड या फिर कोई भी मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।